दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़िए और क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। ठीक है, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आज के सेशन में 30 प्रश्नों को। ठीक है, 30 इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़िए, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड टारगेट वेलकम टू टारगेट विद अजय सर क्लास। तो एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे, 30 प्रश्नों को देखेंगे आज के सेशन में। तो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर करिए, बिना देरी किए हुए आप लोग एक बार जल्दी से शेयर करेंगे, फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों। और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिए और पहले के क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो बताइए, विचारों का संग्रह होता है मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, सेरिब्रम में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है, मध्य मस्तिष्क में होता है। तो बताइए विचारों का संग्रह किसमें होता है, जल्दी से आप लोग एक बार बताएंगे, फटाफट से बता दीजिए। सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। बताइए आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग चलेंगे आज के सेशन की तरफ। सॉरी, पहले का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा, एक मिनट में कुछ चेक कर रहा हूं, तब तक आप लोग आंसर करिए। कैंसर करिए, पहले का क्या हो जाएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिए आप लोग और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जो लोग भी लाइक नहीं किए हुए हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका बताएंगे सभी लोग जल्दी से, कष्ट करिए बताने का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, जिसमें आपका क्या पूछा गया है, कौन सा हिस्सा है जो कि विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, जिसमें विचारों का संग्रह होता है तो कौन सा हिस्सा होता है, तो आपका अग्र मस्तिष्क होता है। चलिए आगे बढ़िए, सेकंड नंबर को देखेंगे, बताएंगे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन है, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक। तो सेकंड का आंसर करिए, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो बताइए कौन सा है, संयोजी ऊतक है, ठीक है, उपकला ऊतक है, या पेशी ऊतक है, या तंत्रिका ऊतक है। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्लास को भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकंड का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सभी लोग दे रहे हैं, जितने भी लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही आप लोगों का, यानी कि संयोजी ऊतक हो जाएगा। क्या, जिसमें शरीर सबसे, ठीक है, जिसमें शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है तो कौन सा है आपका, ध्यान रखिए कौन सा है, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का वह भाग जो कि व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि बैठने के लिए, बैठने की अवस्था तथा संतुलन, संतुलन को कायम रखता है। तो बताइए मेडुला है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, या थैलेमस है। तो जल्दी से बताइए, मस्तिष्क का वह भाग जो कि बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो बताइए कौन सा है, बताएंगे जल्दी से, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, या थैलेमस है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा सेकंड का, थर्ड का, तीसरे का बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को, देखिए। और थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, जितने भी लोग आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन बी वाले लोग बिल्कुल सही है, ठीक है क्या, तो ऑप्शन बी वाले लोग बिल्कुल सही है,
यानी कि क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क आपका हो जाएगा, क्या होगा तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी, यानी कि अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग जो कि बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है। तो कौन है आपका, अनुमस्तिष्क है, जो कि बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो कौन है आपका, अनुमस्तिष्क है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, चौथे को। बताइए हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, बताइए हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो बताएंगे कितनी मांसपेशियां होती है, आंसर करिए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए, 565 है, 639 है, 665 है या 556 है, तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा हमारे शरीर में मांसपेशियां, बताइए कितनी है, तो कितनी मांसपेशियां है, चौथे का आंसर करिए क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 339। ठीक है, कितना है, सॉरी 639 है आपका, 639 मांसपेशियां होती है, कितनी मांसपेशियों की संख्या होती है, तो होती है आपकी 639। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। बताइए मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पे निम्न द्वारा पहचाना जाता है, तो बताइए मधुमेह मेलाइटिस जो होता है, मेलाइटिस, मधुमेह मेलाइटस आमतौर पे किसके द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है, श्वेत श्वेत मेह के द्वारा, उच्च, ठीक है, HSGPT के द्वारा, शर्करा में या मूत्र यूरिया, तो क्या हो जाएगा बताएंगे, मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न के द्वारा पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना जाता है दोस्तों, बताइए पांचवे का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा, यानी कि शर्करा मेह के द्वारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमेह मेलाइटस आमतौर पर निम्न के द्वारा, तो पूछा गया क्या किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना जाता है, इसकी पहचान किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि किसके द्वारा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शर्करा में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थर्टे का। बताइए एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है, लिंब में होती है, दिमाग में होती है, दिल में होती है, जबान में, तो अनैच्छिक मांसपेशियों की बात हो रही है, ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट सेशन है आज का, तो सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, और एक बार शेयर करिए सभी लोग जल्दी से बिना देरी किए हुए, सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, बिना देरी किए हुए शेयर करेंगे फटाफट से, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या पूछा गया है, अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दिल, कहाँ पे होता है, दिल पे होता है, हार्ट में आपका अनैच्छिक मांसपेशियां होती है, किसमें, तो हार्ट में, शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है, तो आपका हार्ट में होती है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है, तो मानव त्वचा की औसतन मोटाई बताइए कितनी होती है, 2 mm होती है, 0.5 mm होती है, 1 mm होती है या 1.2 mm होती है, तो बताइए मानव त्वचा की औसतन मोटाई होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, बताइए आप लोग जल्दी से, मानव त्वचा की औसतन मोटाई होती है, तो बताएंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं आप लोगों में से, तो बताइए कितना होता है, बिल्कुल आसान है, तो 0.5 mm होता है, ऑप्शन बी जो लोग विजय हैं, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन बी वाले लोग, और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0.5 mm हो जाएगा, 0.5 mm मानव त्वचा की औसतन मोटाई पूछा गया है, ठीक है, औसतन मोटाई जो होता है 0.5 mm होता है। चलिए देखिए 8 नंबर का, मानव प्रजनन, ठीक है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ, ठीक है, माँ के रक्त से भ्रूण को पोषक तत्व करने में मदद करता है, तो बताइए मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से, क्या, तो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषक तत्व पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो बताइए भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो बताइए गर्भाशय है, गर्भाशय, ग्रीवा है, गर्भनाल है या फलोपियन ट्यूब है, तो बताइए सभी लोग आठवें का आंसर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, गर्भाशय है, गर्भाशय, ग्रीवा, क्या पूछा गया है, मानव प्रजनन प्रणाली, ठीक है, क्या, मानव प्रजनन प्रणाली, ठीक है, का हिस्सा कौन सा है, कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है, तो माँ के रक्त से पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, बताइए आठवें का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गर्भनाल वाले लोग सही है, ऑप्शन सी वाले लोग, गर्भनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गर्भनाल आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाले लोग बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखिए, 9th नंबर क्या हो जाएगा, 9th नंबर बताइए, 9th का बताएंगे, शरीर के किस भाग में पित्त रस या वायु जूस का उत्पादन होता है, तो बताइए कहाँ पे होता है पित्त रस यानी कि वायु जूस का उत्पादन, जल्दी से बताइए, शरीर के किस भाग में
पित्त रस यानी कि वाइल्ड जूस का उत्पादन होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए हृदय में, फेफड़े, गुर्दे या यकृत। तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर करेंगे सभी लोग, तो क्या हो जाएगा आपका नाइन्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि यकृत हो जाएगा। ठीक है, वाइल्ड जूस यानी कि पित्त रस की बात हो रही है, तो कहाँ पे होता है आपका उत्पादन, तो यकृत में आपका होता है बाइल जूस यानी कि पित्त रस। ठीक है, पित्त रस का उत्पादन। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 10th नंबर 10वें का बताइए, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। तो देखिए लंबे समय के कसरत के लिए, जिमिंग वगैरह के लिए सबसे मुख्य ईंधन क्या होता है, क्या होता है आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आज का, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, यानी कि लंबे समय तक, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है तो क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 11वें को देखेंगे, बताइए निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर बताइए, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किसे, एसए नोड को कहते हैं, एबी नोड को कहते हैं, कोडेटेनिन को कहते हैं, या ठीक है एबी सेप्टमा को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसे कहा जाता है, पेसमेकर। ठीक है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्या हो जाएगा, एसए नोड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो देखिए किसे कहा जाता है हृदय का पेसमेकर, तो एसए नोड को कहा जाता है आपका हृदय का पेसमेकर, यानी कि क्या हो जाएगा, एबी नोड को नहीं, ऑप्शन ए वाले लोग सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो लोग भी दे रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एसए नोड वाले सही हैं। और एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से शेयर करेंगे क्लास को, और देखिए आप में से काफी लोग हैं जो कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक करेंगे, बार बार कहना ना पड़े मुझे। चलिए आगे बढ़िए, 12th को देखेंगे, बताएंगे कार्टिसोन। ठीक है, कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो बताएंगे कार्टिसोन औषधि है जो बनाई जाती है एंजाइम से, हार्मोन से, प्रोटीन से या लिपिड से। तो सभी लोग बताइए जल्दी से, कार्टिसोन औषधि है जो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, एंजाइम से बनाई जाती है, हार्मोन से बनाई जाती है, प्रोटीन से या लिपिड से। तो 12th का जल्दी से बताइए 12वें नंबर का आंसर कर दीजिए। ठीक है, 12वें नंबर का आंसर कर दीजिए। ठीक है, कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12th का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लिपिड से। किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो लिपिड से बनाया जाता है। और बताइए ठीक है कैसे चल रही है आप सभी लोगों की स्टडी, एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं, मुझे बताएंगे फटाफट से, ऐसे मुझे लग रहा है कि क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, वीडियो का भी दिक्कत नहीं होगा, तो बताइए। चलिए इसका आंसर कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो लोग भी दिए हैं आप में से, बिल्कुल सही आप लोगों का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लिपिड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे, 13वें नंबर को बताएंगे, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, चिकन पॉक्स पैदा की जाती है किसके द्वारा। सभी लोग बताएंगे डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला विषाणु द्वारा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा या विब्रियो कैलोरी के द्वारा। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, किससे होता है, ये सिंपल सी बात पूछा गया है, सिंपल से बात आपसे पूछ लिया गया है कि किसके द्वारा होता है आपका छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, तो वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और विब्रियो कैलोरी के द्वारा क्या होता है आप लोग बताइए, तो वेरियोला विषाणु के द्वारा आपका होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है चिकन पॉक्स। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 14 का बताइए, तीव्रता तथा प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, बताइए कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, कर्क रोग के बारे में कहा गया है, तो जल्दी से बताइए, 14 का बताइए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, जल्दी से बताइए। बताइए और देखिए क्लास को जल्दी से शेयर करके अपनी संख्या को बढ़ाइए सभी लोग, क्योंकि संख्या आपकी कम है, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत कम है। तो चलिए आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे 14 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 का आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, परावैगनी किरणें। ठीक है, परावैगनी किरणें हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परावैगनी किरणें, ठीक है,
यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें हो जाएगा, क्योंकि कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए 15 का, बताइए मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। तो बताइए मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में बताइए लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। सभी लोग बताएंगे मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या बृहदान्त्र में। तो सभी लोग बताइए कहाँ पे होता है, 15वें का आंसर करिए, 15वें का आंसर करिए कहाँ पे होता है भोजन का पाचन, किस लाइपेज का पूछा जा रहा है। तो भोजन के पाचन के लिए लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, तो ये होता है अग्नाशय से। ठीक है, कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले लोग बिल्कुल सही हैं, क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, 16वें को देखेंगे। पहले आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं किए शेयर करिए। विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का नियमन होता है। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का नियमन होता है, तो बताइए कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, हृदय के द्वारा, वृक्क द्वारा, यकृत द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य का संतुलन होता है तो हृदय के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, या मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, आसान क्वेश्चन है, बताइए आंसर करिए। और एक बार क्लास को भी शेयर करेंगे आप लोग जल्दी से, जो लोग भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, किसके द्वारा होता है आपका, तो विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट का नियमन किसके द्वारा, ब्रिक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ब्रिक के द्वारा होता है। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 का राइट आंसर, ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिक के द्वारा होता है। किसका नियमन, तो विद्युत अपघट का के संतुलन का नियमन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का नियमन किसके द्वारा, तो ब्रिक के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सी स्थिति में रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है, रक्तचाप जो है आपका बीपी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर पूछा गया है, किस निद्रा के भाव, निद्रा के समय में, भावना में जब आप इमोशनल हो जाते हैं तब, या व्यायाम करते हैं तब, उसमें से कोई नहीं। तो रक्तचाप बढ़ना, ठीक है, रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, कब बढ़ता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो कब बढ़ता है आप लोग बता दीजिए, तो कौन से समय में बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन सी वाले लोग जो भी हैं आप लोगों का बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के समय में रक्तचाप बढ़ता है। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे। 18वां नंबर, फुसफुस धमनी का सामान्य औसतन दाब बताइए, फुसफुस धमनी का सामान्य औसतन दाब होता है, तो बताइए फुसफुस धमनी का सामान्य औसतन दाब होता है 10 से 15 mmHg, 15 से 20 mmHg, 20 से 25 mmHg या 25 से 30 mmHg। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे फुसफुस धमनी का सामान्य औसतन दाब होता है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा। 18वें का आंसर करिए, फटाफट से आंसर कर दीजिए 18वें नंबर का। और एक बार शेयर करिए, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है। तो चलिए, और सर्दियों के मौसम में थोड़ा बच के रहिए। तो 18वें का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 15 से 20 mmHg, ठीक है, फुसफुस धमनी का सामान्य औसतन दाब होता है तो कितना होता है, तो 15 से 20 mmHg होता है। चलिए आगे बढ़िए, 20वें को देखेंगे, बताएंगे वातावरण में परिवर्तन को पहचानने की क्षमता कहलाती है, वातावरण में परिवर्तन को पहचानने की क्षमता कहलाती है, तो बताइए क्या कहलाती है, वातावरण को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है, तो गति कहलाती है, संवेदनशीलता कहलाती है, संवेदना कहलाती है, या शक्ति कहलाती है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे 19 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 का क्या कहलाता है आपका, 19 का बताइए वातावरण को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है, गति, संवेदनशीलता, संवेदना या शक्ति कहलाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सेंसिटिविटी कहलाता है, वातावरण को पहचानने की क्षमता क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता कहलाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे, 20वें नंबर को, बताइए रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के मध्य संबंध की जांच के लिए श्रेष्ठ डिजाइन है। तो क्या रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के मध्य संबंध के जांच के लिए क्या है, श्रेष्ठ डिजाइन है, तो क्या है, केस कंट्रोल है, इकोलॉजिकल स्टडी है, ठीक है, कोहोर्ट स्टडी है, या क्रॉस सेक्शन स्टडी। तो सभी लोग जल्दी से बताइए रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के मध्य संबंध की जांच के लिए श्रेष्ठ डिजाइन कौन सा है, तो आपको बताना है 20वें नंबर का, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, 20वें का आंसर करिए क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताइए रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के मध्य संबंध की जांच के लिए श्रेष्ठ डिजाइन कौन सा है, तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा है, आंसर करिए, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा एक बार बताइए आप लोग, प्लीज सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। और विश्व का क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, कोहॉर्ट स्टडी हो जाएगा ना, कोहॉर्ट स्टडी वाले लोग सही है, यानी कि क्या हो जाएगा रिस्क फैक्टर एवं बीमारी के मध्य संबंध की जांच के लिए श्रेष्ठ डिजाइन कौन सा है, तो कोहॉर्ट स्टडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 21 को देखेंगे, बताएंगे निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य ठीक जंतुओं का एक परजीवी रोग है, क्या है निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बताइए यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, जल्दी से बताएंगे हिस्टोमोनास के द्वारा ठीक है, ट्रिपेनोमा ठीक है, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा या एंगोमो नहीं के द्वारा या निग्लेरिया। तो निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो 21 का आंसर कर दीजिए, किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ट्रिपेनोसोमा के द्वारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए 22वें नंबर को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा ठीक है, हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार है, हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार क्या है, तो बताएंगे टेबिट वाटर ठीक है, स्पॉन्जिंग है, ठंडा पानी से स्पॉन्जिंग है ठीक है, इंट्रावेनस पैरासिटामोल या क्रेवेंस ट्रोमाडोल, तो सभी लोग बताइए ट्रोमाडोल, इसी को कहते हैं हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार, तो 22 का जल्दी से आंसर करिए, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा 22 नंबर का, बताएंगे बिल्कुल सही, चलिए काफी अच्छा स्कोर आप लोग आंसर आप लोग कर रहे हैं ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, रेपिड वाटर स्पंजिंग, ठंडा वाटर स्पंजिंग ठीक है, इंट्रावेनस पैरासिटामोल या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ठंडा पानी से स्पंजिंग आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा ठंडा पानी से स्पंजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना कि क्या होगा, तो ठंडा पानी से स्पंजिंग यानी कि हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 23, कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका कार्य करता है बताइए, कार्बोहाइड्रेट उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ऊर्जा की स्रोत है, ऊर्जा की स्रोत की तरह, एंजाइम की तरह या बिल्डिंग मटेरियल की तरह, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट किसकी तरह कार्य करता है, आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट किसकी तरह कार्य करता है, तो बताइए ऊर्जा की स्रोत की तरह, बिल्कुल ऑप्शन बी, जो लोग भी ऊर्जा स्रोत लिख रहे हैं ठीक है उनका बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा ऊर्जा की स्रोत की तरह कार्य करता है, ध्यान रखिएगा किसकी तरह, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्ब जो है आपका ऊर्जा की स्रोत की तरह कार्य करता है। और देखिए आप में से काफी लोग हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर करिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से शेयर करिए ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ेंगे, 24 को देखेंगे, 24 नंबर और 30 प्रश्न है इस क्लास में, बताइए मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण ठीक है, तो सभी लोगों को पता है क्या है ठीक है, आर्सेनिक विषाक्तता, सीसी विषाक्तता, पार विषाक्तता या कैडमियम विषाक्तता, तो मिनी माता व्याधि होता है, मिनी माता रोग, सॉरी मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, किसके कारण होता है मिनी माता, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, तो किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण, आर्सेनिक विषाक्तता, सीसी विषाक्तता या पारद विषाक्तता हो जाएगा, कैडमियम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पारद विषाक्तता के कारण आपका होता है ठीक है, पारद विषाक्तता के कारण मिनी माता व्याधि होती है ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 25 नंबर, 25 नंबर बताइए ब्लू बेबी नामक प्रदूषक कारक बीमारी पीने वाले जल में ठीक है, निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है, ब्लू बेबी किसके कारण होता है, जो कि जल में सबसे ज्यादा होते हैं, किसके ज्यादा विद्यमान के कारण होता है, कौन ज्यादा रहेगा, तो ये बीमारी होगा ब्लू बेबी नामक प्रदूषककारी बीमारी, तो बताइए फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, नाइट्रेट होगा, आर्सेनिक होगा, तो 20 ठीक है, 25 का बताइए आप लोग जल्दी से क्या होगा, 25वें का बताइए, 25वें का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी होगा, नाइट्रेट, क्या हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा ना, नाइट्रेट हो जाएगा, ब्लू बेबी नामक प्रदूषककारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विषाक्तता के कारण होता है, तो नाइट्रेट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 26 को देखेंगे, अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है, अपेंडिक्स बताइए, 26 का बताइए,
26 नंबर का सभी लोग बताएंगे। अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है? बाय एंटी क्यूबिटल फोसा में, दाए ठीक है एंटी क्यूबिटल फोसा में, बाया एंटी क्यूबिटल फोसा में या दाया इलियाक फोसा में, तो बताइए सभी लोग जल्दी से एक बार। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, अच्छे लग रहे हों, हेल्पफुल लग रहे हों, तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए बिना देरी किए हुए, बार बार कहना ना पड़े। तो चलिए बताइए, और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एक बार फिर से। जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी क्लास में बाद में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं, तो आप लोग क्लास को जरूर ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके छूटे हैं उसको आप लोग देख लिया करें, ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके छूटते हैं उसको आप लोग देख लिया करें, जरूर आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 का, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दाए इलियाक फोसा हो जाएगा, क्या? तो दाए इलियाक फोसा में हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ठीक है डी। चलिए आगे बढ़िए 27 को देखिए क्या हो जाएगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित रहता है? तो बताइए मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किसमें स्थित रहता है? तो ठीक है बताइए, नेक में मस्तिष्क में, किडनी में या एब्डोमेन में? तो बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो बताइए कहाँ पे स्थित होता है? तो ये तो सभी को पता होगा ना, सभी को पता होगा ये तो, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा ठीक है, सभी लोग बिल्कुल बी वाले लोग सही हैं, ठीक है, जिनको भी नहीं पता होगा तो उनको ठीक है, काफी बार मैं करवाया हूँ तो अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि कंपटीशन ऐसे आसानी से बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, क्या? मस्तिष्क में, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित रहती है? तो मस्तिष्क में रहती है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, वेंटिलेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रोकने के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है? तो बताइए क्या है, जल्दी से बताइए क्या पूछा गया है। वेंटिलेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रोकने के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है? तो आपको बताना है अनुशंसित स्थिति क्या है। सुपीरियर पोजीशन है, सेमी ठीक है, रेंकुम ब्लेड पोजीशन है, या लेटरल पोजीशन है, या प्रोन पोजीशन है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। वेंटिलेटर रोगियों की बात हो रही है तो देख लीजिएगा ध्यान से, 28 नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी वाले लोग सही हैं और सभी लोग गलत, क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेमी ठीक है, रिंकुम बेंट पोजीशन हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, जो कि वेंटिलेटर रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रोकने के लिए अनुशंसित स्थिति आपका हो जाएगा सेमी रिंकुम बेंट पोजीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए 29 पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी क्या दर्शाती है? बताएंगे एपिडेमिक प्रवृत्ति, सेकुलर प्रवृत्ति ठीक है, ऋतु अनुसार प्रवृत्ति या नकली संबंध? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, पिछले 20 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाती है तो क्या दर्शाता है? सभी लोग बताइए जल्दी से बताएंगे, 29 का आंसर करिए, क्या दर्शाता है? तो आपका सेकुलर प्रवृत्ति दर्शाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या दर्शाता है? तो सेकुलर प्रवृत्ति दर्शाता है, ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और चलेंगे लास्ट एंड फास्ट ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या हो जाएगा, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो जल्दी से बताइए हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो बताएंगे ठीक है, वाटर ऑयल तेल है ठीक है, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल है, रेड स्पीड ऑयल है यानी कि तोरिया तेल है, या सरसों का तेल? तो 20वें का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा है बताइए, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल ठीक है, सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो जल्दी से बताइए 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाटर ऑयल तेल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोगों को पता भी है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, ऑलिव ऑयल तेल यानी कि जैतून का तेल के नाम से आप लोग इसे मार्केट में जानते हैं ठीक है, ऑलिव ऑयल भी जानते हैं और जैतून का तेल ठीक है कहते हैं, काफी लोगों से सुना होगा, जो कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल कौन सा है? तो जैतून का तेल आपको बताया जाता है ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रहे आपके 30 प्रश्न, और जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करेंगे, और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ठीक है। और यदि आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो इस नंबर पे 7257987
1356, ठीक है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस पे आप लोग मैसेज कर देंगे, सॉरी हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो ग्रुप में ज्वाइन होना है, मैसेज कर दीजिएगा। और जो लोग भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है टारगेट बिजनेस, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप लोग ऐप से आप लोग, ठीक है, ऐप जो है इससे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, 1799 फी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग आसानी से ले सकते हैं, 1799 फी है, और ठीक है, और यहाँ से चक्रव्यूह जो कि आपका टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, ठीक है, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।